नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। एडीबी के सार्वजनिक सुनवाई में हो हल्ला, स्थिति तनावग्रस्त भेला के बाद सार्वजनिक सुनवाई स्थगित। मधेसी मोर्चा के केंद्रीय सचिवालय के बैसार से 5 बुधे निर्णय, सहमति सब कार्यान्वयन के लिए दबाव दिल जाए। संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा संघ सहमति क मात्र स्थानीय निर्वाचन के घोषणा होबाक उप प्रधानमंत्री निधि के कहब। बागपत्र गते धेर कानून बनत त जेठ के पहल सप्ताह में चुनाव संभव रहल, प्रमुख निर्वाचन आयोग के यादव के कहब 3 चरण में चुनाव करब प्रभाग जिकिर। आ इस्ताबुल के नाइट क्लब में आक्रमण करे वाला आरोपी सब पकड़ायल। आप समाचार विस्तार से। एडीबी के सहयोग में संचालित एकीकृत शहरी विकास आयोजना करत आयल काम के विषय में जनकपुर में कैल गेल सार्वजनिक सुनवाई स्थगित भेल। सोम दिन दोपहर में जनकपुर महानगर पालिका के सार्वजनिक सुनवाई के क्रम में हो हल्ला भेला के बाद बैसार स्थगित करे पड़ल। सुनवाई भ रहल समय नेपाल बार एसोसिएशन के हॉल भरला के बाद हो हल्ला शुरू भेल छल। सहभागी सब के संख्या अत्यधिक भेल आ ओहि अनुसार के ठाव के व्यवस्था नहीं भेला के बाद किछ देर स्थिति तनावग्रस्त समेत बनल छल। बैसार में सहभागी लोग सार्वजनिक सुनवाई खुला ठाव में राख प्रभाग मांग कने छल। संपूर्ण गोटे के निमंत्रण द्वारे भी एक वातावरण खलबलैले, लेकिन फिर भी हम सब चाहे अवरोध के कारण शारीरिक सुनवाई एडीबी प्रोजेक्ट जे जनकपुर के विकास से केंद्रित चीज है ओमे कोनो किस्म के बाधा नहीं आवे। आ सार्वजनिक सुनवाई दोसर दिन दोसर जगह पर नीक जगह हो से हम सबके एक एम्हर आयोजना प्रमुख गंगाराम यादव सुनवाई चल रहा समय में एक समूह आयोग का कार्यक्रम भारि देने आरोप लगौने कार्यक्रम जो एकीकृत शहरी विकास आयोजना से रहा है तो वही कार्यक्रम में मेन प्रस्तुति छे तो हमार प्रस्तुति भेला के बाद पाछू से अब हु करके अब कौन ग्रुप कल आ भाड़े के हिसाब से अल आ तब कार्यक्रम बीतो लागे तक बाद सब कार्यक्रम बंद भ। तहिना उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष शिवशंकर साहिरा स्वयं वाणिज्य संघ के सभा हॉल में कार्यक्रम कर कहने रहितो आयोजक नियोजित रूप में नहीं मानने आरोप लगौले। जनकपुर में एडीबी से गुणस्तरहीन काम भ रहल कहित किछ दल तथा संगठन सब बहुते पहले से विरोध जनबैत आयल छे। तेकरा बाद काम के अनुगमन के साथे सार्वजनिक सुनवाई करबाक सहमति समेत कैल गेल छल। वह सहमति अनुसार सोम दिन एडीबी से होइत आयल काम के विषय में सार्वजनिक सुनवाई के आयोजना एकटा सभा हॉल में कैल गेल छल। संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा केंद्रीय सचिवालय के बैसार से 5 बुधे निर्णय कलक। मधेसी मोर्चा के सचिवालय 3 बुधे सहमति कार्यान्वयन संगे संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन सहित पारित कराव दबाव देव आवश्यक रणनीति तय करब में जुटल। मध्य बानेश्वर स्थित सद्भावना पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में सोम दिन बैसल मोर्चा के सचिवालय के बैसार से बिना दबाव संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन पारित कराव नहीं सकब निष्कर्ष निकालने। बैसार में संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन के लिए दबाव देव कार्यदल बनाकर अगाड़ी बढ़ धर के तैयारी समेत
कैल जा रहा है। वैशाल में मोर्चा के सचिवालय मधेश आंदोलन के क्रम में घायल भेल सबके इलाज खर्च देव सरकार के पुनः ध्यान आकर्षण कराल जेबाक निर्णय समेत कलक है। मधेशी मोर्चा संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन सहित पारित नहीं हैत तो निर्वाचन हो भी नहीं सकबाक निष्कर्ष समेत निकालने है। तहना का मोर्चा माघ 5 गते बलिदानी दिवस के अवसर में विविध कार्यक्रम आयोजना का मनेबाक आ सब जिला सचिवालय सबके वही किस्म के कार्यक्रम समेत कर निर्देशन दिलक है। उप प्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री बिमलेन्द्र निधि संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा संघ सहमति कराइए का स्थानीय निकाय के निर्वाचन होबाक घोषणा कलन। नेपाल प्रेस यूनियन पर्सा शाखा आयोजना के पत्रकार सम्मेलन में गृहमंत्री निधि मधेशी मोर्चा संविधान संशोधन के पक्ष में मत देत हेतु संविधान संशोधन के क्यों रोक नहीं सकबाक बतौलन। एक प्रश्न के उत्तर में वो संगठित अपराध के समाप्त कर दोषी के कार्यवाही कर सरकार कटिबद्ध रहल बतौलन। कार्यक्रम में पूर्व सभासद रामेश्वर रौनियार पोखरिया में सेवा केंद्र होब पर बाक मांग करते गृहमंत्री निधि के ज्ञापन पत्र बुझौने। सरकार संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित नहीं भर निर्वाचन में नहीं जा सकबाक अड़ान रखलक। स्थानीय विकास मंत्री हितराज पांडे मधेशी जनजाति आदिवासी समुदाय के मांग संबोधन नहीं कल गल तो निर्वाचन में जाए के वातावरण समेत नहीं बनत जिक्र कल। मंत्री पांडे मधेशी मोर्चा के साथ में लकर स्थानीय तह के निर्वाचन कराब सरकार लायक पड़ल धारणा समेत रखने। केन्द्रित दल जनजाति थारू लगाय सबैले राखेका जो विषय वस्तुहरू छन् त्यसमा हामी सहमति गर्नुपर्छ र संविधान कार्यान्वयनको लागि हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। मन्त्री पाण्डे आवश्यक प्रक्रिया पुराका निर्वाचन के मिति तत्काल घोषणा गरेर तयारी में सरकार प्रतिबद्ध रहल जनाउने छलथि। ओ जल्दी निर्वाचन के मिति घोषणा गरेर सरकार प्रतिबद्ध रहल समेत उल्लेख कयने छलथि। एम्हर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेक नेता लालबाबू पंडित सरकार चुनाव से डरा रहल आरोप लगौलन। नेता पंडित सरकार चुनाव होब नहीं देव अगाड़ी बढ़ रहल जिक्र समेत कयने छला। काठमांडू में आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रम में ओ चुनाव से हारक स्थिति अयला के बाद कांग्रेस आ नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वक सरकार चुनाव होब नहीं देव के षड्यंत्र में लागि पड़ल धारणा रखने छलथि। कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री एनपी साउद निर्वाचन में जाए मधेशी मोर्चा तैयार होब पर बाक में जोर दिलन। ओ स्थानीय तह के निर्वाचन में जाए अपन पार्टी प्रतिबद्ध रहल समेत दोहरौने छलथि। तहिना सद्भावना पार्टी के सह अध्यक्ष लक्ष्मण लाल कर्ण जनसंख्या के आधार में स्थानीय तह पुनर्संरचना नहीं भर निर्वाचन में नहीं जा सकबाक अड़ान रखने छलथि। संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा अपना सबके मांग संबोधन नहीं हैत निर्वाचन के मिति घोषणा भेल तब प्रतिकार में उतर जेबाक चेतावनी समेत दिलक। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर अयोध्य प्रसाद यादव माघ 15 गते भीतर एन कानून सब देलक त जेठ के पहिल सप्ताह स्थानीय तह के चुनाव निर्वाचन कर सकबाक बतौलन। ओ आप चैत में चुनाव होब नहीं सकबाक बतौलन। मंगल दिन रिपोर्टर्स क्लब नेपाल आयोजना के ने साक्षात्कार कार्यक्रम में बजट प्रमुख आयुक्त डॉक्टर यादव कहलन वैशाख 28-29 गते निर्वाचन शुरू कर जेठ के पहिल सप्ताह धर निर्वाचन सम्पन्न कर पड़त। हुनक अनुसार निर्वाचन आयोग पहिने ही पुराने एन तथा कानून सब अनुसार काम रह धारणा रखलन। मतदाता नामावली संकलन मतदाता परिचय पत्र वितरण मतपत्र मत परिणाम मत पेटिका मसल दंड मानव संशोधन आवश्यक रहला से एकर गृह कार्य में आयोग जुटल हुनक कहब छलन। प्रमुख आयुक्त यादव स्थानीय निर्वाचन चरणबद्ध रूप में कर प्रभाग आ 3 चरण में कर प्रभाग धारणा समेत रखने छलन। संसद के महाअभियोग सिफारिश समिति महान्यायाधिवक्ता सब के सुझाव लक मात्रे स्थानीय तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्की विरुद्ध के महाभियोग प्रस्ताव के निष्कर्ष लगाब के निर्णय कलक। समिति मंगल दिन छलफल के लिए बजौने विज्ञ सब देने सुझाव अनुसार महान्यायाधिवक्ता सब के सुझाव लिये के मात्रे कार्की विरुद्ध के महाभियोग प्रस्ताव के निष्कर्ष लगाब के निर्णय कलक। बैसार में नेपाल कानून आयोग के अध्यक्ष माधव पौडेल तत्कालीन अंतरिम मंत्री परिषद के सदस्य आ कार्की के सिफारिश करे वाला न्याय परिषद समिति के समेत सदस्य रहला से स्वयं सब राय देव नहीं मिलत धारणा रखने छला। तहिना का कानून मंत्रालय के सचिव टेक नारायण ढुंगाना स्वयं समेत कानून आयोग के सदस्य भक काम कर चुकला से कार्की विरुद्ध के महाभियोग प्रकरण में राय देव उचित नहीं होबाक तर्क रखने छलथि। वैसे आगू सोम दिन के बैसार में प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सर्वोच्च के फैसला मात्र पूर्ण नहीं भेला से अख्तियार प्रमुख के हैसियत में कार्की के ने निर्णय सब समेत अध्ययन कर प्रभाग अडान रखला के बाद समिति में विवाद उत्पन्न भेल छल। एम्हर सर्वोच्च अदालत अख्तियार प्रमुख
के नियुक्ति खारिज में पड़ल लोकमान सिंह कारी की विरुद्ध के भावयोग प्रस्ताव के विषय में संसदीय समिति शुरू केने छलफल में पत्रकार सब के निषेध कल गए। अदालत उत्प्रेषण के आदेश द्वारा कार्की के नियुक्ति के सिफारिश आ शपथ ग्रहण समेत बदर के अवस्था में संसद में विचाराधीन महाभियोग प्रस्ताव के केना कर निष्कर्ष लगाओल जाए विषय में समिति शुरू केने कानूनी परामर्श में पत्रकार सब के रोक लगाओल गए। संसदीय समिति के छलफल में पत्रकार सब के रोक लगाओल गेल दोसर घटना है। शिक्षा मंत्रालय विद्यालय तह के पाठ्य पुस्तक समय में उपलब्ध करेबाक प्रतिबद्धता जनौलक। शिक्षा मंत्री धनीराम पौडेल नया शैक्षिक सत्र शुरू होब से आगू पाठ्य पुस्तक संबंधी विद्यालय धर पहुंचेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कलन। व्यवस्थापिका संसद के महिला बाल बालिका ज्येष्ठ नागरिक आ समाज कल्याण समिति मंगल दिन के बैसार में प्रत्येक वर्ष पाठ्य पुस्तक अभाव भर रहा दिस सचेत करौला के बाद ओ समय में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराब जका कार्य योजना बनाकर अगड़ी बढ़ रहा स्पष्टीकरण देने सरकार किताब छपाई के काम के समेत अगाड़ी बढ़ेबा कार्ययोजना बनौने रहितो वितरण के काम के जिम्मा केकरो नहीं देने आ एखन देर निष्कर्ष लगाब नहीं सकल। विराटनगर के रानी से सुनसरी के धरानधेर के सड़क के छह लेन के बनेबा काम के तीव्रता देल गेल। पूर्वी नेपाल में पहिल बेर इस सड़क खंड के छह लेन के बनाब लागल। 49 किलोमीटर लंबा इस सड़क एखन दू लेन के मात्र है। सड़क विस्तार के काम दू वर्ष भीतर सम्पन्न करे के लक्ष्य राखल गेल। सड़क विस्तार में 10 अरब 98 करोड़ रुपया लागत अनुमान कल गए। एशियाली विकास बैंक के ऋण सहयोग नेपाल सरकार के आधा आधा लगानी में सड़क विस्तार कैन के बनाब लागल। रानी विराटनगर इटहरी धरान सड़क खंड व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालय इटहरी के अनुसार सड़क विस्तार के आयोजना सम्पन्न भेला के बाद सड़क के बैरियर से दोनों दिश 3-3 लेन के चौड़ा सड़क निर्माण कर के योजना है। आब इंटरनेशनल न्यूज। न्यू ईयर ईव में 39 गोटे के जान जाए जोकर इस्ताबुल के एक नाइट क्लब में भेल आक्रमण के मुख्य संदिग्ध गिरफ्तार कल गया। रेना क्लब में अब्दुल कादिर मासा रिपोब आक्रमण के ने मानल गया था। यह आक्रमण में मरवला सब इजराइल फ्रांस ट्यूनिशिया लेबनान भारत बेल्जियम जॉर्डन आ सऊदी अरब के नागरिक सब छल। मासारिपोव के ऐसन युर्त जिला से गिरफ्तार कल गया। टर्की के संचार माध्यम जनौलक घटना के जिम्मेवारी आईएस लेने सल। सीरिया में भेल सैन्य हस्तक्षेप के बदला लेब के लिए आक्रमण कल गया वो जानकारी दिलन। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जीन सरनन के 82 वर्ष के उम्र में निधन भेल। वो चंद्रमा में पहुंचे वाला अंतिम व्यक्ति छला। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा पूर्व अंतरिक्ष यात्री के निधन दुखद भेल बतौलक। कैप्टन सरनन उ 3 टा अंतरिक्ष यात्री मध्य एक छल जे चंद्रमा में 2 बेर धर पहुंचल छल। आ 1972 के यात्रा में चंद्रमा के धरातल छोड़ वाला अंतिम व्यक्ति समेत छला। सरनन अपोलो 17 मिशन के कमांडर छल। एखन धर 12 गोटे चंद्रमा में पहुंचल त जाय मध्य 6 गोटे जीवित रहल छल। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। एडीवी के सार्वजनिक सुनवाई में हो हल्ला भेला के बाद स्थिति तनावग्रस्त बनला के बाद सार्वजनिक सुनवाई स्थगित। मधेसी मोर्चा के केंद्रीय सचिवालय के बैसार से 5 बुधे निर्णय सहमति सब कार्यान्वयन के लिए दबाव दल जाए। संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा संघ सहमति कह मात्र स्थानीय निर्वाचन के घोषणा होबाक उप प्रधानमंत्री निधि के कहब। माघ 15 गते धर कानून बनत तो जेठ के पहल हफ्ता में चुनाव संभव रहा। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादव के कहब 3 चरण में स्थानीय निकाय चुनाव कर प्रभाग जिकिर। आ इस्ताबुल के नाइट क्लब में आक्रमण करनिहार आरोपित पकड़ायल। अपन न्यूज एखन के लिए पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रह नमस्कार।